हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही जल्दी बनने वाली, फटाफट से बनने वाली चावल की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैंने बनाई है। और इसको हम चांद की रात में रखते हैं, तो इसमें एक अमृत इसके अंदर घुल के आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये खीर मैंने कुकर में बनाई है, फटाफट 20 मिनट के अंदर ये खीर बनकर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। 20 मिनट के अंदर बनकर ये खीर रेडी रहती है। इसके लिए मैंने आधा कप चावल लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं, सिर्फ आधा कटोरी चावल है ये, नॉर्मल कटोरी। और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको यह ध्यान रखिएगा, दूध को आपको उबालना है, उसके बाद ठंडा कर लेना है। इसके लिए तुरंत गर्म दूध में एकदम से हम नहीं डालेंगे, और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे, आधा कटोरी चावल को। दूध उबाल करके ठंडा कर लेना है, और चावल भिगो कर अब हम इसमें डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसको एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद मिक्स कर देंगे, और फिर हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब हमें इसमें विसिल आने तक, जब पहली विसिल आए, जैसे ही विसिल आएगी उसके बाद हमें कुकर को बिल्कुल सिम पे कर देना है, बिल्कुल धीमे उसमें कर देंगे, और फिर उसको 10 मिनट तक पकने देंगे। इसमें धीरे धीरे सीटियां आएंगी, लेकिन उसके बाद हमें इसे नीचे रखकर धीरे धीरे इसको इसके अंदर ही पकने देना है। गैस हमें तेज नहीं करनी है, नहीं तो ये दूध निकल करके सारा बाहर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा कुकर में हमें ऊपर तक दूध नहीं भरना है, इसलिए मैंने 1 लीटर दूध के हिसाब से ही आपको बताया है। देखिए, अब इसमें विसल आने वाली है, एक विसिल आ गई है। अब मैं गैस में बिल्कुल सिम कर देती हूँ, और धीरे धीरे इसमें ऐसे ही विसिल, छोटी छोटी विसिल आएंगी इसमें इस तरह से, और हमें इसको सिम पर ही रखना है, बिल्कुल सिम, तो दूध हमारा बाहर नहीं निकलेगा। और जैसे ही अगर सीटी हमारी बजती है तो हम इसको नीचे कर देंगे, 10 मिनट तक रहने देना है इसको सिम पर ही। और ये कुछ बादाम ले लिए हैं, काजू, किशमिश, और ये मगज ले लिए हैं मैंने, इनको मैं काट लूँगी बारीक बारीक। अब ये देखिए, मेरे इसको मैं 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको खोल लेती हूँ। देखिए कितनी रबड़ी की तरह अंदर से ये बिल्कुल पक चुके हैं चावल इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, पहले बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। जब हम इसको चलाएंगे तो चावल अपने आप इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं हमारे चावल इसके अंदर। अभी इसमें मैंने गैस हल्की सी, अब मैंने जला दिया है, बिल्कुल सिम पर ही रखा है गैस को। अब ये तो हमारे नट्स हैं, इसको मैं इसमें डाल दूंगी, और इसे 5 मिनट इसे हम ऐसे ही पकने देंगे। और फ्रेंड, जब हम इसमें चीनी डालेंगे, तो मैंने इसको, क्योंकि भारी तले के बर्तन में मैंने इसको पलट लिया था, तो मैं कढ़ाई में पलट लूँगी मैं इसको। और आधा चम्मच मैंने ये इलायची पाउडर डाला है। थोड़ा सा पकने के बाद मैं चीनी डालने से पहले इसको एक भारी तले के बर्तन में, अगर आपका कुकर, मेरा कुकर बहुत ज़्यादा भारी नहीं है उसका तला, तो इसलिए मैंने इसको भारी तले वाली कढ़ाई में मैंने पलट लिया है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, 1 कटोरी चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको लगातार अब चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये खीर एकदम से नीचे जल सकती है। देख रहे हैं ना कितनी गाढ़ी खीर बनकर रेडी हुई है हमारी, और इसे अब पकने देंगे इसको 5 मिनट सिम गैस पर ही। बस इसका जो चीनी है अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और एक इसमें बॉयल आ जाएगा। ये देखिए पक करके बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है खीर सब खाने के लिए, बहुत अच्छी। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल चावल बिल्कुल इसके साथ मैश हो गए हैं, कोई खड़े खड़े चावल नहीं हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं बाउल में। फ्रेंड्स, आप इस खीर को इसी टिप के अनुसार बनाइए, तो ये आपकी आधा लीटर से भी अगर आप दूध में बनाएंगे तो ये कुकर में बनकर रेडी हो जाएगी। और इसको आप पूर्णिमा की रात को अपने छत पर रख दें, और फिर उसको अगले दिन सुबह सुबह ग्रहण करें। ये देखिए मैंने इसमें गार्निश कर दिया है, और आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाती है 20 मिनट के अंदर ही, तो आप ज़रूर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।